2 अक्टूबर आ रहा है। बहुत लोग आपके मन में भी एक विचार होगा कि क्या लेकर के जाएं, कैसे जाएं, कौन जाए, क्या हो क्या ना हो, क्या अच्छा लगता है, क्या पहनते हैं, क्या खाते पीते हैं, क्या रहते हैं, कैसे क्या करना है। बहुत प्रश्न आपके मन के अंदर कि क्या पसंद है क्या ना पसंद है, बहुत प्रश्न आपके मन के अंदर चलते हैं। लेकिन जवाब आप समय दे देते हो फिर बदल जाते हो, फिर दूसरा संकल्प होता है फिर बदल जाता है, फिर तीसरा संकल्प होता है फिर बदल। देखो, बात पसंद और नापसंद की आपको सबको पता है कि हम इस धरा के ऊपर क्या करने के लिए आए हैं, क्या हमारा कार्य है, कैसे होगा, कैसे करना है। ये बाहर की वस्तुओं से नहीं होगा, कितनी भी महंगी वस्तुएं हो, कोई भी किसी भी प्रकार का पदार्थ हो, खाने का, भोगने का, रहने का और सांसारिक वस्तुएं, इनसे काम नहीं। जो हमारा कार्यक्षेत्र है, हमें क्या पसंद है, हमें सबसे पहले भाव पसंद है। जो मेरे से भी ज्यादा मेरे गुरु को पसंद है। अगर आपके अंदर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आपके अंदर कुछ भी नहीं, तो आपके परमात्मा नजदीक नहीं आएगा। वो आप देखो, दुर्योधन का सब कुछ छोड़ करके, सब भोग त्याग करके कहां केले के छिलके खाए उसने जाकर के, कहां कितने भोजन भोग विलास सब कुछ छोड़ करके कहां छाछ पी रहा है। वो मेरे गुरु परमात्मा, अगर आप उसको चाहते हो, अगर आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो, अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, अगर आप धर्म के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आप अपने भाव के साथ, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इस संसार के अंदर, अभी तो ये शुरू हुआ है, उसके नाम का प्रचार प्रसार, उसके नाम का जो चारों तरफ तेज जो फैलाना है, उसके नाम का जो प्रभाव पूरे विश्व के अंदर लेकर के जाना है, उसके नाम का ध्यान का, उसकी प्राप्ति का जो मार्ग है, उसकी साधना का जो मार्ग है, उस सच्चे बादशाह तक पहुंचने का जो रास्ता है, वो पूरे संसार को दिखाना है, वो कितना बड़ा कार्य है। अगर आप कुछ देना ही चाहते तो इस कार्य में सहयोग चाहिए कि आप आसपास के लोगों को जागरूक करें परमात्मा के नाम के लिए, ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए, आत्म ज्ञान के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, पाखंड से बचने के लिए, बुरे कर्मों से बचने के लिए, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए और उसका नाम सुमरण के लिए। जब आप जागरूक करोगे लोगों को, चारों तरफ उसके नाम का जो प्रचार प्रसार होगा, लाखों करोड़ों लोगों तक आपकी आवाज पहुंचेगी, इतना बड़ा कार्य, कितने दूर तक प्रचार प्रसार होगा ये परमात्मा, कितना पुण्य आपको प्राप्त होगा,
कितना तेज फैलेगा संसार के अंदर, कितने जीव जागेंगे, कितनों को आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, कितने लोग धर्म के मार्ग पर चलेंगे, कितने लोग आपके समझाने से जीव हत्याएं बंद कर देंगे, कितने लोग शाकाहारी होंगे, कितने लोग बुराइयों का त्याग करेंगे, कितने लोग धूम्रपान छोड़ देंगे, कितने लोग शराब का त्याग कर देंगे, कितना प्रभाव होगा, वो कितनी दूर तक उस परमपिता परमेश्वर का नाम की गूंज होगी। ये सबसे श्रेष्ठ जो आप पूछ रहे हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो, आप अपने आप की खोज कर पाए, आप वो पुष्प बन जाएं जो उसके दरबार में उसके चरणों तक पहुंच जाएं, आप पूर्ण रूप से अपने आप को जान लें, उस परमात्मा तक पहुंच जाएं। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और इससे बड़ा उपहार इस संसार में मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। तो आप उसके नाम का प्रचार प्रसार करें और अपने आप को जितना ज्यादा समय दे सकते हैं उतना ज्यादा समय दें और प्रयास करें उसके बताए मार्ग पर चलने के।